हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचि लाइफस्टाइल। और आज मैं आप लोगों के साथ मुगलई गोभी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। मुगलई गोभी बनाने के लिए हमने आधा केजी गोभी लिया था, जिसे हमने मीडियम साइज का कट कर लिया है और इसे वॉश करके रखी हूँ। और मैं इसमें एक लहसुन यूज कर रही हूँ, आधी के टुकड़ा, और धनिया पत्ता गार्निश के लिए। और इसमें तीन प्याज यूज करेंगे हम, जिसका हम मिक्सी में पेस्ट बना लेंगे, और टमाटर का भी, और फ्रेश क्रीम। पानी हल्का गुनगुना हो चुका है, अब हम इसमें टोटल जो गोभी है वो ऐड कर देंगे। अनुसार आप नमक थोड़ा सा ऐड कर दीजिए। और इसे ज्यादा नहीं पकाना है, इसे एक उबाल आने तक सिर्फ पकाएंगे ढककर। उबाल आ चुका है तो ज्यादा गोभी को कुक नहीं करना है, तो अपनी गैस को ऑफ कर देंगे और इसे पानी से छान लेंगे स्ट्रेनर की सहायता से। जार में प्याज जो है इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। पेस्ट हमने तैयार कर लिया है और ये टमाटो जो है हम इस जार में ऐड कर देंगे, और आदी और लहसुन भी इसी के साथ हम पेस्ट बना लेंगे। हो चुका है, अब इसमें हम गोभी जो है वो ऐड कर देंगे। गोभी को अच्छे से आपको फ्राई करना है, और गोभी फ्राई हो चुकी है, अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। गोभी अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है, कर दिया है और ये गर्म भी हो चुका है। हम इसमें जीरा ऐड करेंगे, जो कि हाफ टी स्पून हमने जीरा ऐड किया है, और इसे फ्राई करेंगे। और इसके साथ हम एक वन ग्रीन चिल्ली भी ऐड कर देंगे और इसे भी फ्राई करेंगे। और मिर्च फ्राई हो चुकी है और मिर्च को हम निकाल लेंगे, और इसे अंत में हम सब्जी में ऐड करेंगे। प्याज अब हम ऐड कर देंगे। प्याज ऐड करके प्याज को अच्छे से हम फ्राई करेंगे। और प्याज जो है वो फ्राई हो चुकी है, अब मैं इसमें जो ऐड कर दूंगी वो टमाटर और आधी लहसुन का पेस्ट ऐड करके इसे भी हम फ्राई करेंगे। हल्का फ्राई करेंगे, उसके बाद हम मसाले ऐड करेंगे। हल्का फ्राई हो चुका है ये, अब मैं इसमें मसाले ऐड कर दूंगी, जैसे कि हल्दी पाउडर एक छोटा चम्मच, एक टी स्पून, और इसमें हम और मसाले जो है ऐड करेंगे, रेड चिल्ली 1 टीस्पून, धनिया की पाउडर 1 टीस्पून एंड हाफ टी स्पून, जीरा और हल्दी का पाउडर 1/2 टीस्पून, और हम इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला भी ऐड कर देंगे और इसे मिक्स करके फ्राई करेंगे। ये अच्छे से फ्राई हो चुकी है, अब हम इसमें फ्रेश क्रीम है हमारे पास 1 टीस्पून, वो मैं ऐड कर लूंगी। ऐड करने के बाद आप इसे चलाते हुए अच्छे से पका लीजिए। ये अच्छे से मिक्स हो गया है, अब ये मसाले को हम और 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। मसाले फ्राई हो गए हैं, अब हम इसमें गोभी ऐड कर देंगे। और मसाले में गोभी को मैंने अच्छे तरह से मिक्स कर लिया है, अब इसमें हम वाटर ऐड कर देंगे, और वाटर बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है, तो मैं इससे 1 ग्लास ली हूँ वाटर, तो मैं इससे 1/2 ग्लास जो है वाटर ऐड की हूँ, और इसे अच्छे से मिला लें। बाद आ चुका है और तेल आप देखते होंगे सेपरेट होने लगा है, तो ये बनकर रेडी हो चुका है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसे एक बॉल में निकाल लेंगे। मुगलई गोभी बनकर रेडी हो चुका है, तो ये खाने में बहुत ही यम्मी लगता है। ये रेसिपी आप एक बार जरूर ट्राई करें। आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप लोग कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में जाके। मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए रुचि लाइफ स्टाइल, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए, जिससे कि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिल पाए और आप मेरा हर एक वीडियो देख पाए। तो बाय फ्रेंड्स।